जुगो जुग अटल सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज सच्चे पातशाह जी की पावन पवित्र हजूरी सचखंड श्री हरिमंदर साहिब श्री आनंदपुर साहब जी की नियुक्ति जथेदार श्री अकाल तख्त साहिब श्री अमृतसर की पदवी लई की गई है। मैं अज मिति 22 जून 2023 इन्हां नूं बतौर जथेदार श्री अकाल तख्त साहिब श्री अमृतसर विखे सेवा संभाल दा ऐलान करदा हां। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हुण मैं मानयोग प्रधान साहब सरदार हरजिंदर सिंह जी धामी जी नूं बेनती करांगा कि वह अपने विचार संगतां नाल सांझे करन। प्रधान साहब जी की आमद ते जकारा बुलाउणा, बोले सो निहाल। धन धन साहब सतगुरु श्री गुरु रामदास पातशाह जी की पवित्र इस सोभनीक धरती इस महान श्री अकाल तख्त साहब जी के सन्मुख गुरु चरणा में जुड़ बैठी गुरु सवारी साध संगत जी, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सतगुरु जी ने त्रुट करके अपनी कृपा से बख्शिश करके श्री अकाल तख्त साहब जी दे नवनियुक्त जथेदार सिंह साहब ज्ञानी रघुवीर सिंह जी नूं बहुत बहुत बधाई दिना। सिंह साहब ज्ञानी अमरजीत सिंह जी हुणे ऐलान करके गए आ, मैं लंबा नहीं बोलना, सिर्फ इको बेनती करूँगा कि इन्हां तों पहलां सिंह साहब ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी जिन्हां ने बाखूबी अपनियां सेवावां निभाईयां जदों नाजक समां सी उस वेले भी गुरु पंथ की परंपरा ते गुरमत अनुकूल अपनिया सेवावां निभाईयां। अंतर कमेटी वालों पहला भी उन्हां दा धन्नवाद किया गया सी, अज भी उन्हां दा धन्नवाद किया जांदा। सिंह साहब ज्ञानी रघुवीर सिंह जी नूं बेनती करूंगा कि बहुत बड़ा पंथ का बोझ आ, पंथ का बोझ ना कह लवां जिम्मेवारी आ। यह जिम्मेवारी चुनौतियां भरिया समा अज गुरु हरगोबिंद पातशाह थोड़े ते कृपा करन, हुक्मनामा भी समय के अनुकूल सतगुरु जी ने बख्शिश किया। ये सेवा संभाल थानू गुरु साहब जी आप बख्शिश की, समुचियां जथेबंदियां सिंह साहबान सारे ही पंजे ताकतां दे सिंह साहबान सुशोभित आ, सारिया सिरमौर पंथ दियां जथेबंदियां निहंग सिंघां दियां जथेबंदियां टकसाल निर्मले उदासी संप्रदाय सारे मौजूद आ, सारियां नूं बहुत बहुत बधाई दिना, आया दा धन्नवाद भी करदा। एक हुण कृपा करियो क्योंकि अक्सर इदां ही चलदा, इत्थे जिसले दस्तारां भेट करनियां उस वेले फिर मर्यादा दा बने देखिया जांदा ते कई बारी फिर इन्ना रश कर दिंदे आ कि सही ढंग नाल जिहड़ी दस्तार जां सिरप उह भेट भी नहीं कीता जांदा। सब तो पहली दस्तार जो मर्यादा साडी सचखंड दे ग्रंथी साहब साढ़े एडिशनल ग्रंथी ज्ञानी अमरजीत सिंह जी वह पहला भेट करनगे, उस तो बाद सारे तख्तां दे जथेदार साहबान तख्त श्री हजूर साहब वालों ज्ञानी गुरदयाल सिंह जी सिंह साहब के तौर पर पहुंचे आ, जोतेंद्र सिंह जी तख्त पटना साहब तो साढ़े सरदार दयाल सिंह जी पहुंचे और बहुत ही सत्कारयोग तख्त श्री दमदमा साहब के जथेदार सिंह साहब ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी और ज्ञानी सुल्तान सिंह जी सिंह साहब ज्ञानी सुल्तान सिंह जी जिन्हां दी भी ये सेवा संभाल 25 तरीक नूं तख्त श्री केसगढ़ साहब विखे इन्हां ने सेवा संभालनी आ। सारियां नूं बेनती करूंगा उदण भी उत्थे 10 बजे सवेरे पहुंचण दा सारे कृपालता ते खेचल करन। उस तों बाद साडियां फिर जिहड़ियां मर्यादावां दमदमी टकसाल
निहंग सिंघां दीआं सिरमौर जथेबंदियां उन्होंने दस्तारा भेट करनिया बहुत सारे महापुरश आए आ काली नहीं करनी बड़े सबर ते संतोख नाल बैठे आ तुसीं मैं अंत दे विच समुचे पंथ नूं क्योंकि सारिआं नाल गुरमते करके ये जिहड़ी सेवा ते संभाल बख्श कीती गुरु साहब ने सिंह साहब ज्ञानी रघुवीर सिंह जी नूं एक जकारा भी गजाउणा ते सिंह साहब नूं बेनती करूंगा ज्ञानी अमरजीत सिंह जी वह पहली दस्तार भेट करनगे बोले सो निहाल अकाली दल वालों साडे सरदार दलजीत सिंह जी चीमा पीर मुहम्मद जी पहुंचे आ उन्हां दा भी तलवार सिंह साहब ने दस्तार भेट हो रही आ जकारा भी गजाइए बोले सो निहाल श्री अकाल तख्त साहब वालों ज्ञानी गुरमुख सिंह जी हैड ग्रंथी श्री अकाल तख्त साहब वह भी पहुंचे आ सारिआं नूं बेनती करूंगा काली नहीं करनी सिंह साहब ने थोड़े नाल कुछ विचार भी सांझे करने आ वह भी आपां सारिआं ने सुनने आ सो अकाली दल वालों चीमा साहब उन्होंने भी बेनती आ सरना साहब दिल्ली तो जी के साहब पहुंचे आ सरदार हरमीत सिंह जी कालका दिल्ली वालों उन्हां वालों सिंह साहब ज्ञानी रणजीत सिंह जी दस्तार लैके आए आ श्री पौंटा साहब वालों बाबा निहाल सिंह जी और दमदमी टकसाल वालों संत बाबा हरनाम सिंह जी उन्हां दे नाल निहंग सिंघां वालों बाबा अवतार सिंह जी सुर सिंह वाले बाबा निहाल सिंह जी हरियां बेलां उन्हां तों अलावा साडे बहुत ही सत्कारयोग